स्टूडेंट्स सेट थ्योरी लेक्चर 9 11 सीबीएसई और आईसीए के लिए काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इस पर ध्यान दीजिएगा। अब आप लोगों के सामने स्टूडेंट जो है प्रूविंग ऑफ मॉडर्न अलजेब्रा आ रही है। अब ये मॉडर्न अलजेब्रा की प्रूविंग का मतलब क्या है, मॉडर्न प्रूविंग ऑफ मॉडर्न अलजेब्रा बेस्ड ऑन सेट्स, मतलब सेट्स पर बेस्ड। स्टूडेंट जैसे आप लोगों को एक पता होगा कि पिछले लेक्चर्स में हमने आप लोगों को डी मॉर्गन थ्योरम्स वगैरह के बारे में बताया था कि जैसे ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट जो है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है, तो ये आखिर प्रूफ कैसे होगा। मतलब आप लोगों के सामने अब जो लास्ट एक्सरसाइज एनसीईआरटी की होगी उसमें प्रूविंग बहुत तेज आएगा, बड़ा तेज प्रूविंग पूछेगा, प्रूविंग ये प्रूफ करो वो प्रूफ करो, सबसेट से रिलेटेड प्रूविंग, कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड प्रूविंग। तो उस प्रूविंग के जो चीजें हैं उन प्रूविंग के प्रूविंग को हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे वो एक बहुत बड़ी समस्या स्टूडेंट के सामने रहती है। स्कूलों का तो हाल बेहाल है, वहां से टीचर्स भी उतने अच्छे ऑनलाइन नहीं मिल पाते और जो भी मिलते हैं तो वो भी बहुत प्रॉपर तरीके से चैप्टर को बहुत डीपली नहीं समझा पाते। जैसा कि 12th सीबीएसई में हमने कई स्टूडेंट्स, हमारे इस समय 12th सीबीएसई में अप्रॉक्स 25-30 स्टूडेंट्स हो चुके हैं बैच में, और हमने सारे स्टूडेंट्स का फीडबैक लिया। एक दो दिन पहले मैंने सारे स्टूडेंट्स को कॉल किया तो इतने खुश थे एसबीडी से। उन्होंने कहा कि हमको सारे लेक्चर सर प्रॉपरली हम लोग समझ में आ रहे हैं और सारे होमवर्क वगैरह वो लोग कर चुके हैं। इवन कुछ स्टूडेंट तो ये तक बताया कि स्कूलों में जो ऑनलाइन स्कूल से चल रहे हैं वहां में बोर्ड तक नहीं है, केवल वॉइस रिकॉर्ड करके फोटो खींच के भेज दे रहे हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो लेक्चर आप लोगों का 10-10 लेक्चर, जो चैप्टर आपका एक महीने का है उसको केवल 2 लेक्चर में खत्म कर दे रहे हैं, कुछ भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है। और वो लोग एसबीडी से काफी इम्प्रेस्ड है, बहुत ज्यादा इम्प्रेस है और सारे क्वेश्चन वगैरह लगा रहे हैं, और आप लोगों का भी फीडबैक आप लोगों से लिया जाएगा। तो ये टॉपिक स्टूडेंट काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों का चालू होने वाला है कि हम लोग मॉडर्न अलजेब्रा में प्रूविंग कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम आपको कुछ टर्म्स टू रिमेंबर लिखवाने जा रहे हैं। टर्म्स टू रिमेंबर, उन चीजों को आप लोग ध्यान देंगे और उन्हीं के बेसिस पे स्टूडेंट हम लोगों की सारी प्रूविंग होगी। बहुत इंटरेस्टिंग है, टिपिकल टॉपिक है, क्रिएटिव टॉपिक है, हार्ड टॉपिक है, लेकिन उसको मैं इंटरेस्टिंग बना रहा हूं। एकदम लोग बोरिंग बना देते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग मैं तैयार कर रहा हूं आप लोगों के सामने। देखिए टर्म्स टू रिमेंबर में पहला टर्म्स टू रिमेंबर है, अगर हम ये कहते हैं कि इफ एक्स इज एन आर्बिट्री एलिमेंट, अगर एक्स हमारा एक आर्बिट्री एलिमेंट है और एक्स बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी से, एक्स एक आर्बिट्री एलिमेंट है। आर्बिट्री एलिमेंट का मतलब कोई भी एलिमेंट, कोई एक ऐसा हमने स्वेच्छा से, ये आर्बिट्री एलिमेंट का मतलब क्या होता है मालूम है आप लोगों को, आर्बिट्री एलिमेंट का मतलब होता है स्वेच्छा से ली गई कोई संख्या, स्वेच्छा से ली गई कोई संख्या का मतलब स्वेच्छा, मतलब हमारी अपनी इच्छा से लिया गया कोई भी नंबर। अगर एक्स कोई भी एक आर्बिट्री एलिमेंट है जो बिलोंग टू रियल नंबर होना चाहिए और वो एक्स जो रियल नंबर है वो ए यूनियन बी से बिलोंग कर रहा है, मतलब एक्स अगर ए यूनियन बी से बिलोंग कर रहा है का मतलब क्या हुआ कि एक्स मौजूद है ए यूनियन बी के अंदर, तो ये इंप्लाइज कर रहा है कि एक्स बिलोंग टू ए होगा और एक्स बिलोंग टू बी होगा। एकदम सही है, इसको तो कोई काट ही नहीं सकता। अगर x a यूनियन b के अंदर है, a यूनियन b सोचो कैसे निकालते थे, a दिया रहता था b दिया रहता था, a यूनियन b का मतलब सबको मिला के हम लोग एक साथ लिखते थे, जो a यूनियन b हमारा जो पूरा सेट आया है उसमें जितने एलिमेंट्स आए हैं उसमें से कोई एक आर्बिट्री एलिमेंट लिया गया वो a यूनियन b में मौजूद है, तो जरूर वो या तो a में रहा होगा या तो b में रहा होगा, तभी तो a यूनियन b में आया है। तो इसको आप याद कर लीजिए, इफ x बिलोंग्स टू a यूनियन b implies that x belong to A और x belong to B। चलिए second point, if x is an arbitrary element, अगर x एक arbitrary element है, x belong कर रहा है A intersection B को, अब क्या आ गया भैया, x इसमें मौजूद है A intersection B में, intersection मतलब common,
सेट ए दिया था, सेट दिया था, ए इंटरसेक्शन पे निकालने के लिए दोनों का कॉमन लिख देते थे। तो जो कॉमन लिखे हैं उसका एलिमेंट, उसका कोई एलिमेंट उठाएगा वो ए इंटरसेक्शन बी में है, तो इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी में अगर है तो ए बी में दोनों में रहा होगा एंड, यानी ये इंप्लाइज कर रहा है कि एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी। यानी आप कैसे आप करेंगे, इफ एक्स इज एन आर्बिट्री एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, तो इंप्लाइज कर रहा है कि एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी, मतलब दोनों में बिलोंग करेगा। चलिए कितने पॉइंट हुए, दो पॉइंट। तीसरे पॉइंट पे स्टूडेंट आ रहे हैं, इफ अगर हम ये कहते हैं एक्स एक आर्बिट्री एलिमेंट है, अब आप समझ लीजिएगा एक्स एक आर्बिट्री एलिमेंट है, अगर एक्स बिलोंग कर रहा है सेट ए से, अगर एक सेट एक्स सेट ए से बिलोंग कर रहा है, याद रखिएगा यहां पे जो हम लोग ए बी सब ले रहे हैं, ए बी एक सेट है, बी बी एक सेट है, और ये भी जो है वो नॉन एम्प्टी सेट्स है, इनका भी बात ध्यान रखिएगा, नॉन एम्प्टी सेट्स मतलब उसमें कुछ ना कुछ पॉइंट है, नॉन एम्प्टी सेट्स है। अगर एक्स बिलोंग कर रहा है ए से तो ये इंप्लाइज कर रहा है कि एक्स नहीं बिलोंग करेगा ए कॉम्प्लीमेंट से। चलिए चौथा, इसी का वाइस वर्सा, अगर एक्स बिलोंग कर रहा है ए कॉम्प्लीमेंट से तो इंप्लाइज कर रहा है एक्स नहीं बिलोंग करेगा ए से, एकदम सही है। चार पॉइंट देखिए आप लोगों को बताया गया, अगर एक्स सेट ए से बिलोंग कर रहा है तो ए कॉम्प्लीमेंट में कभी नहीं होगा, अगर सेट ए कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है तो एक्स नहीं होगा ए में, और ये उल्टा वाइस वर्सा भी चलेगा। चलिए वाइस वर्सा समझ ही रहे, इसी का उल्टा भी, अगर एक्स बिलोंग नहीं किया ए कॉम्प्लीमेंट से इंप्लाइज कर रहा है कि एक्स बिलोंग करेगा ए से, इसका भी वाइस वर्सा उल्टा चलेगा, अगर एक्स नहीं बिलोंग कर रहा है ए से तो इंप्लाइज कर रहा है कि एक्स बिलोंग करेगा ए कॉम्प्लीमेंट से। अब कई लोग सुन रहे होंगे ये कैसे हुआ बाबू, अगर एक्स सेट ए में है, सेट ए में है यानी सेट ए का कोई भी एलिमेंट है वो एक्स है मान लो, वो सेट ए में मौजूद है, और जब तुम एक कॉम्प्लीमेंट निकालते हो तो उसको यूनिवर्सल माइनस ए कर देते हो, यानी ए को हटा ही देते हो, तो बचा क्या यूनिवर्सल वाला, तो जो एक्स होगा वो ए कॉम्प्लीमेंट में कभी नहीं होगा क्योंकि ए में था, ए में नहीं, ए में था तो नॉट ए में कैसे हो जाएगा, यानी ए में है तो नॉट ए में नहीं होगा, ए नॉट में है तो ए में नहीं होगा, इसी का उल्टा भी चलेगा। पांचवा, अगर एक्स हमारा बिलोंग कर रहा है ए माइनस बी से, सेट ए के वो एलिमेंट जो सेट बी में नहीं है, सेट बी के एलिमेंट हटा दो सेट ए वाले एलिमेंट, तो ये इंप्लाइज कर रहा है कि एक्स बिलोंग करेगा ए से एंड एक्स नहीं बिलोंग करेगा बी से, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सब हमने आप लोगों को पहले बताया भी है, अगर एक्स बिलोंग करेगा बी माइनस ए से तो याद रखिएगा एक्स बिलोंग करेगा बी से और एक्स नहीं बिलोंग करेगा ए से, ये भी पॉइंट याद रखिएगा, एकदम कॉमन सेंस है। ए माइनस बी में अगर है एक्स तो ए माइनस बी तो निकल चुका है, ए माइनस बी जो निकल चुका है उसमें ए के वो एलिमेंट है जो बी में नहीं है, केवल ए वाले एलिमेंट बचे हुए उसका एक एलिमेंट एक्स है, तो एक्स ए में तो होगा लेकिन बी में नहीं होगा, बी माइनस ए में एक्स बिलोंग करेगा बी से लेकिन एक्स नहीं बिलोंग करेगा ए से, टोटल कितने हुए छह। चलिए अब हम एक सातवां पॉइंट और ले रहे हैं, सातवां पॉइंट, इफ कैपिटल एक्स इज अ सबसेट ऑफ सेट ए, अगर कैपिटल एक्स जो है वो सेट ए का एक सबसेट है, कैपिटल एक्स सेट ए का एक सबसेट है, अच्छे समझिएगा, सेट ए के जो सबसेट है यानी सेट ए हमारे पास कुछ दिया हुआ था कॉमा कॉमा करके, उसके हमने सारे सबसेट्स निकाले, और सबसेट्स मतलब जो होता है वो सेट्स, सारे जो सबसेट्स होते हैं वो आपको पता होगा वो छोटे 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 कर्ली ब्रेसेस में होते हैं, तो उसी में से कोई आर्बिट्री कोई मान लो एक्स उठा लिया गया, एक्स सबसेट है ए का, तो चलो अगर एक्स सबसेट है सेट ए का तो ये इंप्लाइज कर रहा है कि जो कैपिटल एक्स होगा वो बिलोंग कर जाएगा पी ए से, यानी अगर वही एक्स जो ए का सबसेट है, जैसे हम यहां पर सबसेट है, अगर हम पावर सेट ए बनाएंगे तो ये सारे उसी के एलिमेंट हो जाते हैं क्योंकि ये सब उसके अंदर आ जाते हैं, यानी कभी भी कोई
एक सेट है जो किसी पर्टिकुलर सेट का अगर सबसेट है तो वो पावर सेट का एलिमेंट हो जाएगा, और वाइस वर्सा हम लोग लिख सकते हैं, कैपिटल एक्स अगर बिलोंग कर रहा है पीए से तो ये इम्प्लाइज कर रहा है कि कैपिटल एक्स सबसेट होगा ए का, तो इसको भी याद रखिएगा स्टूडेंट, इसकी भी जरूरत आप लोगों को पड़ेगी। चलिए, सात पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया है, सात पॉइंट, तो उसको आप लोग ध्यान रखिएगा तभी आप लोग काम कर पाएंगे, अदरवाइज काम नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो है एडिशनल में आप लोग जोड़ दीजिएगा, जो आपको लॉज ऑफ सेट्स हमने बताया था उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लॉज ऑफ सेट की कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, ये सब मतलब लॉज ऑफ सेट्स को भी आप ध्यान रखिएगा तो ज्यादा बेटर पड़ेगा। चलिए, अगर एक्स एक आर्बिट्री एलिमेंट है, ए यूनियन बी से बिलोंग कर रहा है तो इम्प्लाइज कर रहा है कि एक्स बिलोंग करेगा ए से और एक्स बिलोंग करेगा बी से। इफ एक्स इज एन आर्बिट्री एलिमेंट, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, तो इम्प्लाइज कर रहा है कि एक्स बिलोंग करेगा ए से एंड एक्स बिलोंग करेगा बी से। अगर एक्स बिलोंग कर रहा है सेट ए से तो इम्प्लाइज कर रहा है कि एक्स नहीं बिलोंग करेगा ए नॉट से। अगर एक्स बिलोंग कर रहा है ए नॉट से तो इम्प्लाइज कर रहा है कि एक्स नहीं बिलोंग करेगा सेट ए से। एक्स अगर बिलोंग कर रहा है ए माइनस बी से तो एक्स बिलोंग करेगा ए से एंड एक्स नहीं बिलोंग करेगा बी से। एक्स बिलोंग कर रहा है अगर बी माइनस ए से तो एक्स बिलोंग कर रहा है बी से एंड एक्स नहीं बिलोंग करेगा ए से। कैपिटल एक्स अगर एक सेट है जो सेट ए का सबसेट है तो वही जो है उसका पावर सेट का एलिमेंट हो जाएगा, उसी का वाइस वर्सा भी ये काम करेगा, और बाकी लॉज ऑफ सेट्स थोड़ा ध्यान रखेंगे। चलिए, अब हम आ रहे हैं अपने टॉपिक पे, प्रूविंग वाले पे, मॉडल अलजेब्रा की प्रूविंग वाले पे। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि एक नोट और आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये आठवां जो है मतलब एक नोट आप लोग याद रखिएगा कि इफ ए सबसेट बी का है ऑल्सो बी सबसेट ए का है, तो इससे पता चलता है कि ए इक्वल टू बी सेट्स ए एंड बी आर इक्वल सेट्स, उस समय इक्वल सेट्स हो जाते हैं। ये नोट भी आप लोग याद रखिएगा, इसकी जरूरत पड़ेगी। चलिए, अगर ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में है, बी के सारे एलिमेंट ए में है, ए के सारे एलिमेंट बी में, बी के सारे एलिमेंट ए में, तो सोचना क्या है, इक्वल टू बी सेट्स ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। तो दो सेट्स के इक्वल होने की कंडीशन होती है कि एक पहला दूसरे का सबसेट होना चाहिए, दूसरा पहले का सबसेट होना चाहिए, यानी ए सबसेट बी का, बी सबसेट ए का, तभी तो तुम्हारा इक्वल सेट्स होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आ रहे हैं स्टूडेंट प्रूविंग वाले पे, जो आज हम लोग का टॉपिक था। इतना ही लेक्चर्स ने दिया गया कि इसके बिना आप लोगों का काम नहीं चल रहा था, क्योंकि ये आपका बेसिक्स है। सॉरी, ये आप लोगों का बेसिक्स है, और इसी बेसिक्स का जो है ध्यान में रखते हुए हम लोग काम करेंगे। चलिए, प्रूविंग प्रॉब्लम्स, प्रूविंग प्रॉब्लम्स, प्रूविंग प्रॉब्लम्स, जितनी भी प्रूविंग प्रॉब्लम्स है इसको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, तीन कैटेगरी में। जितनी भी प्रूविंग प्रॉब्लम्स हैं, प्रूविंग प्रॉब्लम्स का मतलब कि कौन सी, थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल प्रूविंग प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी थ्योरेटिकल प्रूविंग प्रॉब्लम्स हैं उसको तीन कैटेगरी में मैं डिवाइड कर रहा हूं। ऐसा पढ़ा दे रहा हूं कि जिंदगी में कोई आत्महत्या भी कर लेगा तो नहीं पढ़ा पाएगा ऐसा। चलिए देखिए, प्रूविंग प्रॉब्लम्स जो है, थ्योरेटिकल प्रूविंग प्रॉब्लम्स जो है उसको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट, कैटेगरी वन, कैटेगरी टू और एक कैटेगरी तीन। देखिए, मैं तीन कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं, जितनी भी प्रूविंग प्रॉब्लम्स है उसको मैं तीन कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं। कैटेगरी वन है जिसमें आपके 60% क्वेश्चन लग जाएंगे, 60% प्रॉब्लम्स आर बेस्ड ऑन इट, 60% प्रॉब्लम्स इसी में बेस्ड होती हैं।
परसेंट प्रॉब्लम्स, 20% जो प्रॉब्लम्स हैं, आर बेस्ड ऑन कैटेगरी टू, और बाकी 20% जो प्रॉब्लम्स होंगी वो कैटेगरी तीन पे आएंगी। चलिए हम इसको 60%, 20% और 20% में कन्वर्ट कर रहे हैं। 60% वो प्रॉब्लम्स आएंगी कैटेगरी वन की, 60% प्रॉब्लम्स आर बेस्ड ऑन इट, जिसमें आप लोगों को जितने भी लॉज ऑफ स्टेट्स हैं वो प्रूफ कर सकते हैं, जितने भी इक्वल वाले हैं LHS इक्वल टू RHS उनको प्रूफ कर सकते हैं। और कहने का मतलब है कि इसको सॉल्व करने का एक हम आपको यूनिवर्सल मेथड बताएंगे, यूनिवर्सल मेथड जो अभी हम बताने वाले हैं थोड़ी देर बाद। पहले अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि जितने भी लॉस ऑफ सेट्स है, कॉम्पिटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ, सब इसी कैटेगरी वन से सॉल्व होंगे। और वो एक यूनिवर्सल मेथड है प्रूविंग करने का, वो मैं अभी मैं आपको बताने वाला हूं। कैटेगरी टू आप कैसे पहचानेंगे, इन दोनों की पहचान हम आपको बता रहे हैं कि किसी भी क्वेश्चन में अगर आपके सामने कह दिया यूजिंग प्रॉपर्टीज और यूजिंग लॉज ऑफ सेट्स शो दैट या प्रूफ दैट, जो भी दिया हुआ है LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करके दिखाइए, यूजिंग प्रॉपर्टीज यूजिंग लॉज ऑफ सेट्स आप प्रूफ करके दिखाइए, इक्वल करके दिखाइए, ये वर्ड अगर कहीं आ गए यूजिंग प्रॉपर्टीज यूजिंग लॉज ऑफ सेट्स, समझिए कैटेगरी टू है। और तीसरी कैटेगरी में ये सिंपल अगर कहीं पे आपको दिखाई दिया, देखिएगा डबल एरो, डबल एरो जिसको हम लोग पढ़ते क्या है, कई लोगों को पढ़ने नहीं आता है क्योंकि 11 में आप लोग पहुंचे हैं तो 10 से 11 की तरफ गए हैं, तो नई नई चीजें आप लोगों के सामने आएंगी। देखिए इंप्लाइज दैट एंड इज इंप्लाइड फॉर, ये ध्यान दीजिएगा, इंप्लाइज दैट एंड इज इंप्लाइड फॉर, इस सिंबल का मतलब क्या होता है मालूम है आप लोगों को, पहले इसको पढ़ना सीख लीजिए। अगर डबल एरो लगा होगा इधर भी एरो उधर भी एरो, इंप्लाइज एंड का साइन होगा, इंप्लाइज एंड का साइन इधर भी इधर भी, तो क्या पढ़ेंगे, इंप्लाइज दैट एंड इज इंप्लाइड फॉर, इसका मतलब ये होता है कि इसके बगल में अगर ये LHS वाला पार्ट है और इधर अगर RHS वाला पार्ट है, उसका मतलब ये होता है कि अगर ये LHS ट्रू है, ट्रू मान ले, LHS को मान ले कि ये सत्य है, सत्य है, ये ट्रू है, तो ये RHS वाला भी ट्रू होना चाहिए, एज वेल एज ऑल्सो अगर हम RHS वाले को ट्रू मान ले तो प्रूफ करने पे LHS भी ट्रू होना चाहिए, यानी अगर LHS ट्रू मान लिए तो आगे चल के RHS ट्रू आना चाहिए, और अगर RHS ट्रू मान लिए, अगर नहीं मतलब दूसरा भी केस बनेगा कि RHS भी RHS को ट्रू माने तो LHS ट्रू आना चाहिए, तब जाके ये वेरीफाई होता है। तो तीन कैटेगरी अब आप लोग समझ गए होंगे। हम लोग पहले फर्स्ट कैटेगरी पे आ रहे हैं स्टूडेंट, इस कैटेगरी को सॉल्व करेंगे। और कुछ सिंबल का मतलब मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सिंबल कहीं पर भी लगता है, ये इसको हम लोग फॉर ऑल कहते हैं, कहीं नोट करना आप लोग नोट कर सकते हैं, फॉर ऑल E डॉट Z हम लोग लिखते हैं, इसको कहते हैं हम लोग एग्जाम्पल ग्रांटेड। ये सब छोटी छोटी सिंबल्स हैं, इसको ध्यान रखिएगा, फॉर ऑल एग्जाम्पल ग्रांटेड इसका मतलब बता ही दिया हमने, ठीक है, जो जो बीच में आता रहेगा मैं आपको बताता रहूंगा। चलिए अब हम लोग कैटेगरी वन पे आ रहे हैं और उसकी प्रूविंग पे आ रहे हैं। देखिए स्टूडेंट कैटेगरी वन, पहली कैटेगरी पे आ रहे हैं, 60% प्रॉब्लम्स ऑफ सेट्स आर सॉल्व यूजिंग द फॉलोइंग वर्किंग रूल,
60% प्रॉब्लम्स ऑफ सेट्स आर सॉल्व्ड यूजिंग द फॉलोइंग वर्किंग रूल। कौन कौन सा है देखिए, वर्किंग रूल क्या है। स्टेप वन, देखिए स्टूडेंट, सपोज दैट कि आप लोगों को इसमें 60% क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अगर आपको बुक प्रूफ करने के लिए कह दिया कि प्रूफ दैट, आपसे कह दिया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, जिसमें भी आप लोगों का कैटेगरी वन को आपको पहचानने का तरीका बता दें कि डायरेक्ट आपको शो दैट या प्रूफ दैट लिखा होगा और उसमें आपका एलएचएस होगा और इक्वल टू आरएचएस होगा। ये सारे जो है कैटेगरी वन में आ जाएंगे। कैटेगरी वन को पहचान गए होंगे आप लोग। कोई भी प्रूविंग वाला लास्ट एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन है या उससे पहले भी है, शो दैट प्रूफ दैट दिस इक्वल टू दिस अगर प्रूफ करना है तो आप लोगों को देखिए कैसे करना है। सबसे पहला स्टेप वर्किंग रूल क्या है कि हम लोग लेट कर लेंगे कि एक्स इज एन आर्बिट्री एलिमेंट। हम लोग एक्स एक आर्बिट्री एलिमेंट लेके चलेंगे, एक्स बिलोंग करेगा हमारा एलएचएस से। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि हम लोग बहुत इजी मेथड है, बहुत इजी तरीके से हम लोग देखिए काम करेंगे। पहला स्टेप क्या करेंगे कि हम लोग एक्स एक आर्बिट्री एलिमेंट ले लेंगे, एक्स बिलोंग कर देंगे एलएचएस से। एक्स एलएचएस से बिलोंग करेंगे और इम्प्लाइज करेंगे अब यहां पे वो जो आपको हमने सात पॉइंट्स बताए थे, अभी सात पॉइंट्स जो हमने आपको टर्म्स टू रिमेम्बर बताए थे, अरे यार भूल गया क्या, सात पॉइंट्स जो हमने आपको टर्म्स टू रिमेम्बर बताए थे, कौन सा, अगर एक्स बिलोंग करेगा ए यूनियन बी से, एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी, एक्स बिलोंग टू इंटरसेक्शन बी इन्वेस्ट कर रहा है, एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी, एक्स बिलोंग टू ए से तो एक्स नहीं बिलोंग करेगा ए नॉट से, जो भी सात पॉइंट हमने आपको बताए थे। तो आप क्या करेंगे कि एक्स एक आर्बिट्री एलिमेंट लेंगे, उसको एलएचएस से बिलोंग करा देंगे और यहीं पे जो है प्रॉपर्टीज या जो भी अभी हमने आपको प्रॉपर्टीज या जो भी आपको सेवन बेसिक फैक्ट्स बताए उनको हम लोग यूज करेंगे, मतलब जो सात बेसिक फैक्ट्स है यूज करेंगे, कोई एक होगा कि नहीं कि सातों लगेगा, जो भी बेसिक फैक्ट्स होगा उसको हम यूज करेंगे। तो उन बेसिक फैक्ट्स को मतलब कि डेफिनेशंस को, वो डेफिनेशंस है उन सेवन बेसिक फैक्ट्स को यूज करेंगे, उन फैक्ट्स को हम लोग यूज करेंगे, फैक्ट्स को तथ्यों को यूज करेंगे और करते जाएंगे। और अगर x RHS से भी बिलोंग कर गया, और कर गया नहीं कराना है, देखिए एकदम सिंपल, हम x LHS से बिलोंग कराएंगे और वहां पे जो सात बेसिक फैक्ट्स बताए हैं उसमें से जो भी लॉ, जो भी बेसिक फैक्ट काम कर रहा है, जो भी लागू हो रहा है उसको लगाएंगे और करते जाएंगे आगे। अगर x RHS से बिलोंग कर गया, मतलब जो LHS से आप लेके चले थे और आते आते यहां पे RHS यहां पे बिलोंग कर गया, तो इससे ये पता चलेगा कि हमारा LHS जो है वो सबसेट है RHS का। इक्वेशन वन कर देंगे और आपको फिर अगले स्टेप में क्या करना है, एकदम सिंपल देखिएगा स्टूडेंट, स्टेप टू में कि आपको Y बिलोंग कराना है RHS से, वाई आरएचएस से बिलोंग कराना है और फैक्ट्स को लगाते चलना है, जो भी फैक्ट्स है तथ्य है उनको लगाते चलिए, लास्ट में वाई आपका जो है एलएचएस से बिलोंग कर जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड से बिलोंग कर जाएगा, वाई आरएचएस से बिलोंग कर रहा है, फैक्ट्स लगाते जाइए, फैक्ट्स मतलब वही सात पॉइंट, अरे वही सात पॉइंट यार, एक्स बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी से, रिप्लेस कर रहा है एक्स बिलोंग कर रहा है ए से और एक्स बिलोंग कर रहा है बी से, x belong to A intersection B, x belong to A and x belong to B, इसी तरह हमने सात पॉइंट जो आज के लेक्चर में आपको स्टार्टिंग में बताए थे वही उसी में से पॉइंट्स लगेंगे सारे। तो अगर y RHS से बिलोंग कर रहा है तो फैक्ट्स लगाते जाइए, y फिर LHS से बिलोंग कर जाए तो इससे ये इंप्लाइज होगा कि RHS सबसेट है LHS का। अब कुछ कहने की बात नहीं है, देखिए LHS सबसेट हो गया RHS का और RHS सबसेट हो गया LHS का, इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू आपका होगा LHS इक्वल टू RHS, LHS RHS के बराबर हो जाएगा। एकदम यही एकदम सिंपल तरीका देखिए हमने आप लोगों को बता दिया है और मैं अभी क्वेश्चन देखिए तुरंत आप लोगों को करके दिखा रहा हूं, उस पर बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, बड़ा मजा आएगा देखिएगा।
दिक्कत नहीं होगी। देखिएगा इतना बेहतरीन मेथड है, आपसे कहा जा रहा है प्रूव दैट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। चलिए हम देखिए एलएचएस उठा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेट एक्स इज एन आर्बिट्री एलिमेंट, एक्स इज एन आर्बिट्री एलिमेंट सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है एलएचएस से, एक्स बिलोंग करेगा एलएचएस से का मतलब एक्स बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट से। अरे यार एलएचएस ये है मालिक, ये वाला प्रूफ करना है हमको। देखो ये एलएचएस है लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड है। चलिए एक्स ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है, तो बाबू अगर एक्स ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है, तो ये इंप्लाइज कर रहा है कि एक्स नहीं बिलोंग करेगा ए यूनियन बी से। बाबू अगर एक्स जो है किसी के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है, एक्स अगर ए डैश से बिलोंग करता तो ए से नहीं करता, अगर ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है तो नहीं बिलोंग करेगा ए यूनियन बी के से। ये क्या हो गया, ये तो ये हो गया कि एक्स ए यूनियन बी में है ही नहीं, तो एक्स ए यूनियन बी में नहीं है तो का ए में होगा का। अब देखिए कॉमन सेंस की बात है कि अगर एक्स ए यूनियन बी में नहीं है यानी ए यूनियन बी में एक्स वाली संख्या है ही नहीं तो ए में भी नहीं होगी एंड बी में भी नहीं होगी। इसका मतलब हम लिखेंगे एक्स नहीं बिलोंग करेगा ए से एंड एक्स नहीं बिलोंग करेगा बी से। अब कई स्टूडेंट देखिए सोचते होंगे कि यूनियन लगा हुआ है तो और होना चाहिए, नहीं ये अपने कॉमन सेंस पे थोड़ा लॉजिक से चलेगा यार। एक संख्या ऐसी है जो ए यूनियन बी में है ही नहीं, यानी जो ए यूनियन बी, ए दिया सेट बी दिया सेट ए यूनियन बी निकाला गया उसमें है ही नहीं, तो ए में भी नहीं होगी एंड बी में भी नहीं होगी। अगर आप और लिख देंगे तो किसी एक में मौजूद हो जाएगी तो यहां पे एंड होगा। चलिए अगर एक्स ए में नहीं है, एक्स ए डैश में है यार एंड एक्स बी में नहीं है तो नहीं तो बी में है, बी डैश में है सॉरी। अगर x a में नहीं है a डैश में तो है, x अगर b में नहीं है b डैश में तो है, बीच में एंड लगा हुआ है, x बिलोंग करेगा a डैश इंटरसेक्शन b डैश। अगर x a डैश में भी है x b डैश में भी है तो इंटरसेक्शन में भी होगा। देखिए आरएचएस आ गया, ये इंप्लाइज कर रहा है कि x बिलोंग कर रहा है a डैश इंटरसेक्शन b से, तो इसका मतलब कि x जो है आपका इससे बिलोंग, सॉरी ये तो आई गया आरएचएस, तो ये एक्स एलएचएस से बिलोंग किया था, एक्स आरएचएस से बिलोंग कर गया, तो ये इंप्लाइज कर रहा है कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो सबसेट है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। इक्वेशन वन हो गया। अब क्या करना है स्टूडेंट, अब कुछ नहीं करना है। देखिए अब हम यहां पे आरएचएस लेने चलेंगे, राइट हैंड साइड लेट कर लिया कि y बिलोंग कर रहा है a डैश इंटरसेक्शन b डैश से, इससे बिलोंग किया तो इंप्लाइज कर रहा है कि y बिलोंग करेगा a डैश से एंड y बिलोंग करेगा b डैश से। y a डैश से बिलोंग करेगा एंड y b डैश से बिलोंग करेगा, तो इंप्लाइज कर रहा है y नहीं बिलोंग करेगा a से एंड y नहीं बिलोंग करेगा b से, बिल्कुल। अब भैया जब y a में भी नहीं है b में भी नहीं है तो y नहीं होगा a यूनियन b में, अगर y a यूनियन b में नहीं है तो खुश होने की जरूरत नहीं है, वो a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट में जरूर होगा, बिल्कुल। देखिए RHS लेके चले, RHS आ गया, तो देयरफॉर a डैश इंटरसेक्शन b डैश सबसेट हो गया ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का। इक्वेशन टू, इक्वेशन वन और टू से एकदम क्लियर हो चुका है कि एस, ये इसका सबसेट है वो उसका सबसेट है, तो इक्वल सेट्स है यार। क्यों, अगर ए बी का सबसेट है बी ए का सबसेट है तो इक्वल सेट्स है। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू इट्स क्लियर दैट ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट।
मिनट के बराबर है। दैट्स ऑल। कैटेगरी वन तक हमने आप लोगों को बता दिया है, बस कैटेगरी टू और थ्री आप लोग रेडी रहिएगा और उसके बाद ये चैप्टर आप लोगों का खत्म पूरी तरह से। डाउट क्लियरिंग के लिए हम लोग लाइव सेशन पे आएंगे, सारे डाउट्स आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजना शुरू कर दीजिए। बस जल्दी ही हम लोग एक दो दिन के अंदर जो है लाइव क्लासेस में आएंगे, वहां पे सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, उसके बाद वो सेकंड चैप्टर पे आ जाएंगे। थैंक यू सो मच।